खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में शदीद बारिश और सैलाब से 8 अफराद जान बहा। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और ग्लेशियाई सैलाब। हुंजा, शमशाल और गिजर में सड़कें बह गईं। पंजाब में भी तेज बारिश। लाहौर एयरपोर्ट के फायर स्टेशन में भी पानी भर गया। फैसलाबाद, जेहलम, गुजरांवाला में सड़कें दरिया बन गईं। पानी घरों में दाखिल। बिजली की फराहमी मुतासिर। कराची में बादलों का डेरा। हल्की बारिश से मौसम सुहाना। FATF की शरायत पर पाकिस्तान की कोशिशें। बिलाखिर अमरीका भी तारीफ करने पर मजबूर हो गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान की काविशों को तस्लीम करते हैं, मुकम्मल हिमायत भी करते हैं। अमरीका पाकिस्तान के काम जारी रखने पर हौसला अफजाई करेगा। भारत ने खित्ते में अपने दुश्मन ममालिक को नुकसान पहुंचाने के लिए FATF को सियासी फोरम बनाया। जल्द FATF की ग्रे लिस्ट से निकलेंगे। वफाकी वजीर हम्माद अजहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आजाद कश्मीर में फैशन शो करके या हाथ ऊपर नीचे करके इलेक्शन नहीं जीते जा सकते। मरियम और जमायमा की ट्विटर पर जंग। मरियम नवाज ने लिखा, मुझे आपकी और आपके बच्चों की जाती जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे पास करने और कहने के लिए बेहतर चीजें हैं, मगर आपका साबिक शरीक हयात अगर लोगों के खानदानों को किसी मामले में घसीटेगा तो दूसरों के पास भी कहने को नाखुशगवार बातें हैं। इसके लिए आप सिर्फ अपने साबिक शरीक हयात को मुर्दे इल्जाम ठहराएं। मरियम नवाज का जमायमा के ट्वीट पर रद्दअमल। जमायमा ने मरियम के बयान पर कहा कि उन्होंने यहूद दुश्मनी पर मबनी हमलों की वजह से 2004 में पाकिस्तान छोड़ा और ये हमले अब भी जारी हैं। इमरान खान के फोन को मोदी की मदद से हैक करने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ की मोदी के साथ दोस्ती थी। गैर मुल्की जरीदों के इंकशाफ पर खामोश नहीं रहेंगे, उन्हें जवाब देना होगा। फारूख हबीब बरस पड़े। शहबाज गिल ने कहा, मरियम बीवी आपका कोई कसूर नहीं, आपके वालिद भी सियासी मुखालिफिन की फैमिली से मुतालिक इखलाकी गिरावट दिखाते रहे। अली अमीन गंडापुर ने पाबंदी के बावजूद तकरीर की। वाजे हो गया इमरान खान और वुजरा की नज़र में आइनों कानून की कोई हैसियत नहीं। इमरान खान और हवारी खित्ते में पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाकर किसके एजेंडे की तकमील कर रहे हैं। वज़ीरे आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं, अवाम 25 जुलाई को वोट की पर्ची से उनका मनसूबा नाकाम बनाएंगे। हमारी तफ्तीश के मुताबिक अफगान सफीर की बेटी का मामला अगवा का केस नहीं। अगवा का मुकदमा दुनिया का मुंह बंद करने के लिए दर्ज किया गया। ये पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। वजीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा अफगान सफीर और बेटी खुद तहकीकात का हिस्सा बने, रियासत उनका मुकदमा लड़ेगी। अफगान सफीर ना जाते तो अच्छा था। दासू आके की तहकीकात मुकम्मल कर ली। चीन मुतमइन है, जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आजाद कश्मीर में बल्ले की हुकूमत होगी। मरियम नवाज एहतजाज का शौक पूरा कर लें। अफगान सरहदी जिला स्पेन बोल्डिक पर तालिबान के कब्जे के बाद घर घर तलाशी। अफगान फौजी कमांडर के घर से पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बरामद। शनाख्ती कार्ड पर चमन के देहात कली हसन के ठेकेदार का पता दर्ज। शनाख्ती कार्ड नादरा ने जारी किया। खुशियों भरी ईद करीब आ गई। ईद उल अज़हा की तैयारियां अरूज पर। गली मोहल्ले में बच्चों और लड़के कुर्बानी के जानवरों को टहलाने लगे। मवेशी मंडियों में आज भी रश, भाव उताव जारी। वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी कुर्बानी के लिए 5,60,000 रुपए में 3 ऊंट खरीद लिए। हेडलाइंस आप जान चुके। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम अब पता चला। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।